अबे बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं भाई यहाँ तो, कोई प्रोग्राम दिखे। आओ तो खाना यहीं खा ले। अबे रुको, इस हालत में जाएंगे तो कोई भी पहचान लेगा बिना दावत के आए। आओ तो फिर चेंज कर ले। अब बता, कोट पैंट का रोला चलता है? हाँ यार, कोट पैंट का रोला तो है बेटे। कोट पैंट में जो शादी ब्याह में जाता है ना, लोंडी भी 3-4 पटाखे लाता। अबे यार फिर तो मजा आ जाएगा, आओ फिर। देख बे देख, खाना खाएंगे बाद में, पहले लोंडियों की तरफ को चलना है। क्यों बे हाथी के खुरंड, शर्म ना आ रही तुझे? 40 में की फातियों में आया कोट पैंट पहन के, और टोपी कहाँ तेरी? जल्दबाजी में भूल गया यार मलन। जल्दबाजी में कोट पैंट पहन देना भूला तू? चलो पकड़ो टोपी और चलो दोनों बैठो फातियों में। फातियों में ना बैठूंगा मैं, नहाया हुआ ना हूँ। तुम्हारे सालों यही तो ड्रामे है, फातियों के टाइम पर नहाया हुआ ना हूँ, वैसे कोट पैंट पहन के घूम रहा हो। तेरे सूरत से मुझे पता लग रहा है नहाया हुआ तो। चल बैठ फातियों में को। ए यार बाबू भाई, झूठ क्यों बोल रहा हो, नहा के तो आए हैं दोनों। अब जब आए गए तो थोड़ी देर बैठ लें, खाना खा के चल देंगे। हाँ यार खाना तो खा ही लेंगे। कितनी देर में शुरू हुए? मौलाना आते होंगे, फिर उनके आती फाती चालू जाएंगी। फाती है नहीं, खाने को पूछ रही हूँ। आर यार सबर कर ले। मैं कह रही हूँ कॉफी का भी तो इंतजाम होगा। ओ तेरी अम्मा की बारात चल रही है यहाँ, जो कॉफी बसाते चाउमीन सब होंगी यहाँ। शर्म कर ले शर्म, 40 माह है बाबू भाई। जय हिलो कौन हो? अबे 40 माह चल लिया, 40 में मैं कॉफी कौन रखता? हाँ बस रसगुल्ले होंगे सुन्नत अदा करने के लिए। यार रसगुल्ले मुझे अच्छे नहीं लगते, इमरती को कहूंगा मैं तो इनसे, मुझे इमरती ला कर दो। मैं कह रही हूँ बोटी साफ मत दियो, हड्डे वाली दियो, मींग की जरूरत है यार जरा। चल बे चल बोटी ना है। अबे चेक तो करो यार, कैसा ना होगी बोटी। अबे देख ले बाल्टी में ना है बोटी। अब तो लेके आओ, देख में से निकाल के लाओ यार, चाहिए मुझे हर हाल में, लेके आओ। अबे 40 में आया तू, थोड़ी बहुत शर्म तो कर ले, जाहिल है क्या बिल्कुल तू? जाहिल है तो बता भी लेगा आऊं। हाँ जाहिल तो हूँ। अबे कैसे दो कोड़ी के मेहमान आए तुम्हारे यहाँ, बिल्कुल जाहिल साले, बोटी मांग रहे हैं। बोटी मांग रहा है? कौन मांग रहा है, ये दिखाइए जरा। ये आएंगे दोनों। फिर आ गए वे, तुम्हें चैन नहीं है बिल्कुल भी, ना शर्म है बिल्कुल भी। पूरे कुत्ते हो, जानवर हो, खाने खराब हो, भीख मांगनी स्टार्ट कर दो रोड पे, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही भाई। इतनी नाल तो दे रहा हूँ फिर भी यहीं बैठे हो, उठ के नहीं आ रही तुमसे। चुप वे, यहाँ कुआ चावल दे ला, ला तू भी दे। चल निकल। साले कोट पैंट पहन के आए। बाबू भाई आज तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। तो तू टेंशन क्यों ले रिया है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अखबार पढ़ लो, यहाँ बैठ के कुछ होश है ना तुम्हें? अरे क्या बात हो गई बड़े भाई, बैठो पहले, बैठ के बात बताओ। बात ही क्या होगी, वो आएंगे तो तुम्हारे घर में, दो शैतान के बाप, पहला कफन उड़ाइए अम्मा का, कैसी देख पलटिए उड़ दोगी। कैसे जाहिल है भाई तुम्हारे भतीजे, उनसे बड़े जाहिल तो मुझे तुम लग रहे हो। समझाई नहीं जा रही है तुम्हें बिल्कुल भी उन्हें। इज्जत करता हूँ मैं तुम्हारी थोड़ी सारी, वरना तो तुम्हारे भतीजे भी पिटेंगे और तुम भी पिटोगे साथ में। बड़ी मुश्किलों में तो अम्मा हमारी मरी, न साले दफन होने दे रहे, न 40 में होने दे रहे। अबे यार इन्होंने फिर नाटक खड़ा कर दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आगे की होती फिरेगी बात बाद में, ये जो नुकसान कर गए हैं 8,000 रुपए की पूरी देख पलटी है, उसके पैसे दो पहले। 8,000 रुपए की देख? अबे भैया कौन सी देख बनवाई थी? हमारे यहाँ ऐसे होते हैं फंक्शन, बराबर का कोट डलवा में लाओ दो पैसे जल्दी। अब कैसी कोई गलती कर दी ना उन्होंने तो बहुत ही मारूंगा। ठीक है अस्सलाम वालेकुम।